Assalamu alaikum everyone. Welcome to Femania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. Fajr ki namaz padi, socha thoda bahir fresh air mein jaya jaye. To do din se mali nahi aaya aur is season mein main note kar rahi thi ki mashallah amrood ke drak ki growth bahut zabardast hui hai. Aur ye meethe bhi bahut hain. Time se na utaro to keeda lag jata hai. पिछले काफ़ी व्लॉग्स में आपके साथ मैं होम क्लिनिक के रेफरेंस से डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही थी और काफ़ी देर से कोई डिटेल रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो डिलाइट. बहुत इजी, टेस्टी और क्विक रेसिपी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसके लिए फिर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया मेन बॉयल. मैंने थोड़ा सा 1 ग्लास पानी लिया और उसके अंदर 1/2 कप जो है वो मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड जो है उसके पाउडर को मैंने डाल के उसकी एक थिक सी पेस्ट बना ली. और उसके बाद फिर पानी इतनी देर में दूध बॉयल हो जाता है जिसमें 1/2 कप फिर मैंने चीनी का डाल दिया और उसको मिक्स कर लिया अच्छे से. और उसके बाद उसके अंदर ये कस्टर्ड की जो मैंने पेस्ट बनाई थी वो डाल दी. तो इस तरह से ये कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया. इस तरह से मैंने फिर 3 मीडियम साइज़ के मैंगो ले लिए, उनको मैंने रफ़ सा चॉप कर लिया क्योंकि इसमें से जो हाफ़ हैं वो तो यूज़ हो जाएंगे हमारे मैंगो प्यूरी के लिए और हाफ़ मैं रख लूँगी आगे गार्निशिंग के लिए. तो इस तरह से फिर हाफ़ जो हैं इनकी मैंने पेस्ट रेडी कर ली, ये थिक सी प्यूरी बन गई. और फिर मैंने एक बाउल में जो है वो 2 इस तरह मिल्क क्रीम के पैकेट लिए और उनको मैंने इसके अंदर बाउल के अंदर डाल लिया अच्छे से. और उसके बाद फिर मैंने बीटर के हेल्प से उनको इस क्रीम को बीट कर लिया. इतना इसको बीट करना है कि बस ये फ्लफ़ी सी हो जाए, सॉफ़्ट हो जाए, यानी वॉल्यूम में ये थोड़ी सी जितनी ये थी उससे डबल हो जाए, लेकिन इसकी स्टिफ़ पीक्स ना आए, बस नॉर्मल सी पीक्स आएँ इस तरह से. अब ये रेडी हो गई है. तो मीन वाइल हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया है, तो इस मिल्क क्रीम में से 2-3 चम्मच जो है मैं उस कस्टर्ड में डाल दूँगी ताकि उसका टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा आ जाए. तो इसके बाद जो बाकी है हमारी, उसके अंदर जो हमने मैंगो प्यूरी रेडी की है उसके अंदर से कोई तकरीबन 1/3 जो प्यूरी है वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे और बाकी हम रख लेंगे फर्दर यूज़ के लिए. तो इस तरह से फिर ये अच्छे से मिक्स हो गई है. मिक्स होने के बाद अब ये कपकेक्स मिलते हैं चॉकलेट फ्लेवर के, मेरे पास थे पड़े हुए तो मैंने इनको यूज़ कर लिया. आप दूसरे भी कपकेक्स यूज़ कर सकते हैं. तो इनको फिर मैंने इनके सेंटर से हाफ़ कट कर लिया. ये सर्कुलर हैं तो इनको इस तरह से हाफ़ कट कर लिया इनकी लेयर देने के लिए. वैसे अगर आप ना भी इनको कट करें तो चलेगा, बट मेरे पास ये वैसे थोड़े पड़े हुए थे तो इस वजह से फिर मैंने इनको कट करके इनकी एक इवन सी लेयर सबसे पहले बाउल में दे दी, उसके बाद उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड की लेयर दे दी. और कस्टर्ड की लेयर देने के बाद उसको मैंने अच्छे से ज़रा थोड़ा मिक्स कर लिया और फिर उसके ऊपर मैरी बिस्किट्स की लेयर दे दी है. मैरी बिस्किट्स का ये होता है ज़रा थोड़े हार्ड होते हैं, ये सोक कर लेते हैं जब, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा भी मीठे नहीं होते. तो इस लेयर के बाद फिर इसके ऊपर मैंने वो दोबारा से कस्टर्ड की लेयर दे दी. दोबारा से कस्टर्ड की लेयर देने के बाद फिर जो मैंने मैंगो जो रह गए थे जो डाइस्ड चॉप किए हुए वो इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी. तो मैंगोज़ को जो साथ साथ इसके चंक्स मुंह में आते हैं ना, तो उनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है. उसके बाद जो मिल्क क्रीम थी जिसके अंदर मैंने प्यूरी डाल दी थी मैंगो की, तो उसको एक लेयर कर दूँगी मैं उसके ऊपर और उसको फिर स्पैचुला की हेल्प से सेटल कर लूँगी. तो इस तरह से ये सेटल हो गई. उसके बाद फिर से जितना कस्टर्ड बचा था उसकी लेयर करके दोबारा से जो क्रीम बची थी उसकी लेयर कर दी मैंने. और उसके बाद से ये मैरी बिस्किट मेरे पास जो बचे थे उनको मैंने क्रश करके तो इस तरह से ऊपर गार्निश कर दिया. आप किसी और भी नट्स से या कॉकटेल्स से, आप किसी भी चीज़ से इसको गार्निश कर सकते हैं. तो आज खाने में मैं दाल की दाल माश बना रही थी मटन के साथ, उसके साथ मैंने ये सिंपल मसाले नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल दिए और उसके अंदर फिर लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल के, प्याज डाल के और देसी घी डाल के. तो इस तरह से मैं फिर उसको 10 से 15 मिनट के लिए टाइमर लगा दूंगी कुकर में, प्रेशर कुकर में. तो उसके बाद फिर ये इसको अच्छे से भून लूंगी
सुबह से मैंने दाल माश जो है वो भिगो दी हुई थी। इसको धोने का बड़ा काम होता है, लेकिन मैं धुली हुई दाल यूज़ नहीं करती, एक तो बहुत सख्त होती है और उसका वो टेस्ट नहीं आता, तो हमेशा से मैंने छिलके वाली ही दाल ली है। तो सुबह से भिगोई हुई थी, अब ये काफ़ी उगल गई थी। 10 से 15 मिनट इस तरह का प्रोसेस करने से ना इसका ये छिलका ईजीली रिमूव हो जाता है। तो अब यहाँ ये इसका छिलका ऑलमोस्ट रिमूव हो गया, कोई एक दो सख्त रह जाते हैं। तो मीनवाइल गोश्त भी है वो भून लिया मैंने, उसने ऑयल अपना छोड़ दिया, तो अब इसके अंदर मैंने दाल डाल दी है। तो अब इस दाल को जो कि हम छिलकों वाली यूज़ करते हैं, उसका ये होता है कि ये ज़्यादा पानी नहीं फिर यूज़ करते इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सोक किया होता है इसने पानी, तो बहुत थोड़ा पानी डालकर जितना कि ये गल जाए, उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसको मैंने पका लिया। तो यहाँ पर दाल हो गई डन। तो आज ना तो मेरे पास धनिया था, ना हरी मिर्च थी, सिर्फ गरम मसाला था जिससे मैंने इसको गार्निश करके तो इसको रेडी कर लिया। तो शाम हो रही थी, जी के कुछ कपड़े थे लॉन्ड्री के लिए देने थे, माया वाले जो हैं वो उनके लॉन्ड्री पे जाते हैं कभी, और कभी घर में ही लग रही होती है। और इसके अलावा कुछ मुझे अपनी वो मल्टी विटामिन्स भी लेने थे, क्योंकि लॉन्ड्री वाली शॉप के साथ ही फार्मेसी भी है। तो इस तरह से फिर यहाँ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें, और इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लें। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।